कोई सबूत नहीं मिला है, ये कौन कहता है? सबूत तो भाई साहब अब धरती चीर कर निकलेगा, बाकायदा कलेजे को फाड़ कर निकलेगा। हैरान मत होइए, वरिष्ठ अधिवक्ता और साथी भाई साहब सदस्य राज्य परिषद के कम्युनिस्ट पार्टी से भी है भाई साहब, नाम इनका रणधीर सिंह सुमन है। सुनते ही भाई साहब शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते, कलेजा दहल उठता है। अब भाई साहब ये बाकायदा राम सनी घाट वाली मस्जिद पकड़ को लेकर बाराबंकी जमात के गांधीवन में प्रेस वार्ता आयोजित की इन्होंने। बाकायदा भाई साहब मीडिया का जमावड़ा लगा था, ऐसे भाई साहब इनसे कई सवाल भी किए गए और सुनिए क्या बोले हैं। सुनेंगे तो भाई साहब आश्चर्यचकित हो जाएंगे, पहले सुनिए फिर आगे सुनाते हैं। रणधीर सिंह सुमन जी, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और ऐसे मुकदमे आप लड़ने के लिए माने जाते हैं जो कोई नहीं लड़ता है। आपने तारिक काजमी जैसे आतंकियों जिन पर आरोप था उनके भी मुकदमे लड़े, और अभी इस मामले में जो गरीब नवाज मस्जिद कही जा रही है रामसनी घाट की, उसमें तो आप अब आए हैं कि उन्होंने गलत काम किया, न्यायिक प्रक्रिया से अलग होके उन्होंने मुकदमे की सुनवाई की और वहाँ पर एक एक ईंट भी खुदवा के गायब कर दी, तो आप किस तरह से साबित करेंगे कि वहाँ मस्जिद थी? जो जजमेंट इन्होंने दिया है उसमें आपके पहले भी और जो तहसीलदार साहब ने जो नोटिस दी है उसमें इन्होंने कई जगह पे गरीब नवाज मस्जिद तहसील का जिक्र किया है। इस वजह से इस नॉलेज से इनकार नहीं कर सकते हैं कि उनकी नॉलेज में नहीं था ये गरीब नवाज मस्जिद है। तो कड़क मिजाज के साथ साथ भाई साहब बोल अंदाज रणधीर सिंह सुमन का बयान सुना आपने। भाई साहब दिखने कुछ ऐसा ही लगते हैं, शानदार लगते हैं और बोलते ही भाई साहब बिल्कुल ठाकर हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ऐसे ऐसे मुकदमे लड़े जो भाई साहब कोई लड़ना नहीं चाहता था, सबका कलेजा कांपता था, जिन पर भाई साहब आतंकी तक के आरोप लगे रहते थे। ऐसे भाई साहब अब ये राम सनी घाट वाले प्रकरण को लेकर, गरीब नवाज मस्जिद को लेकर अब बाकायदा मैदान में आए हैं, और जैसे ही आए भाई साहब छक्के छुड़ाने की बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस तो भाई साहब इनमें फूट फूट कर रहा है। सुनिए जरा कैसे बोल रहे हैं। लेकिन अब वहाँ सारे सबूत मिटा दिए गए? कोई सबूत नहीं मिटा है, ये कौन कहता है? अज्ञात में मर्डर होते हैं, लाशें मिलती हैं, कई साल बाद कंकाल मिलते हैं, और हमारा विज्ञान, हमारे विवेचना अधिकारी, हमारे पुलिस अधिकारी उस लाश की शिनाख्त करके कातिल को पकड़ लाते हैं। यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। रणधीर सिंह सुमन भाई साहब यहीं पर ठंडे नहीं, वह बकायदा आगे बोले कि देखो भाई देखो, अगर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर थे तो भैया काहे के लिए फर्जी ट्रेनिंग ले रहे थे, कम से कम ढंग से लेते। हम नहीं बोल रहे हैं आप पर मत चलिएगा, रणधीर सिंह सुमन स्वयं बोल रहे हैं। सुनिए जरा सुनिए, बता रहे हैं आईएएस बनने के काबिल। तो इन्होंने कौन से ऐसी गलत काम किया जो सीधे लग रहा है कि ये प्रशिक्षु थे और इनको ऐसा नहीं करने चाहिए था, ये आईएएस बनने काबिल नहीं है? बहुत सीधी सी बात है कि अगर आप ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पे थे और आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा था तो इनको फर्जी ट्रेनिंग लेने भी नहीं चाहिए जी। हमारा एक सीधा सवाल ये कहने का मतलब, वहाँ एक स्थायी एसडीएम होता और उसके साथ में बैठ के वहाँ सीखते किसी बात के लिए पोस्टिंग होती है, जैसे ब्लॉक में ये बीडीओ पे आईएएस लोग तैनात होते हैं तो बीडीओ के साथ बैठ के बीडीओ से वो ब्लॉक संबंधी कामों को सीखते हैं, सीखने के लिए है, ना कि फाइनल जजमेंट करने के लिए है। अभी आपने बताया कि कौन जांच अधिकारी इनके बनाए गए हैं? इनके खिलाफ हमने कार्मिक पेंशन शिकायत विभाग भारत सरकार को कंप्लेंट 30 मई 2021 को दर्ज कराई है, जिस पर आपकी उस विभाग की डायरेक्टर साहिबा है नीला मोहनन आईएएस, वो भी है जी, जांच करेंगी। धन्यवाद। वाह भाई साहब, रणधीर सिंह सुमन के साथ भाई साहब प्रेस वार्ता जो आयोजित की गई, वाकई भाई साहब लाजवाब, कहा बताएं। हमने प्रेस वार्ता बहुत सारी देखी लेकिन रणधीर सिंह सुमन जैसी प्रेस वार्ता भाई साहब कभी नहीं देखी। बाकायदा भाई साहब सवाल पे सवाल दागे जा रहे थे और भाई साहब उत्तर पे उत्तर मिलते जा रहे थे, कुछ भी कहिए लाजवाब। फिलहाल की आपको मिलेगी सिर्फ इसी पर, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करना कतई मत भूलना।